फ्रेंड्स, ये होटल तारा में हम लोगों का सुबह ब्रेकफास्ट। अभी हम लोग सहारनकोट से आए और ये 7 से 9 का जो हम लोगों का ब्रेकफास्ट का टाइम है, हम लोग पहले यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। ये हमारा ब्रेकफास्ट है, ये देखिए, आलू पराठे, दही और चटनी। आज 4 दिन बाद मुझे दूध मिला है। और ये टोस्ट और जैम बटर, अभी जूस पिया है और अभी कॉर्नफ्लेक्स भी है काफ़ी। ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने बुकिंग कराई ना, उसके अंदर ये मिला है। अगर आप यहाँ पर आकर करते तो ये आपको ये प्रोवाइड नहीं होता। तो ये सब चीज़ें मैं जो आपको बतला रहा हूँ, इसीलिए बतला रहा हूँ ताकि कभी आपका मूड हो तो ये सब आप पहले से ही प्लानिंग कर कर चलें तो फ़ायदे में रहेंगे। ये देखिए, अब ये हम लोगों का ये पूरे दिन भर का ये हैवी नाश्ता हो जाएगा, ताकि हम लोग पूरे दिन भर घूमेंगे, खूब मस्ती मारेंगे, फिर रात को अपना डिनर लेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये हम लोग अपनी होटल तारा जो है, अब यहाँ से ये देखिए व्यू दिखा रहा हूँ हमारी होटल का। ये क्या शानदार फ्लावर, एक से एक, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है इन्होंने होटल को। ये देखिए क्या शानदार फ्लावर, मनमोहक। ये मन जीत लिया हम लोगों का सुबह सुबह गार्डन में। ये देखिए बहुत अच्छा सा मेंटेन कर रखा है, ये जो सीज़न के फूल हैं। ये देखिए ये तांबे का कितना बड़ा, ये देखिए बर्तन। ये सारे फ्लावर्स, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अगली डेस्टिनेशन के लिए। ये देखिए क्या शानदार, अब हम लोगों की कैब आ चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग अपनी होटल से आज पूरा पोखरा घूमने जाएंगे और यहाँ के नज़ारे देखेंगे। हमारे साथ में जो कैब है, जिनकी अधिकारी जी, वो हमारे साथ हैं। मैं अधिकारी जी से पूछूंगा कि आज हम लोगों को पोखरा में कहाँ कहाँ घुमाएंगे और यहाँ पर ये पोखरा की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। अधिकारी जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप पोखरा के बारे में हमें बताइए थोड़ा सा। जी सर, पोखरा में बहुत सारी जगह ऐसे घूमने का है। ऐसे हमारा सुबह सनराइज और विंध्यवासिनी माता जी का दर्शन हो चुका है, अब हमारा नाश्ता भी हो चुका है। अब यहाँ से हम ओल्ड पोखरा, जो शुरू में जो पोखरा बैठा हुआ है, उस मार्केट होते हुए फिर महेंद्र के बैट्स के और गोरखा म्यूजियम, सेतु रिवर क्रॉस और माउंटेन म्यूजियम, जैसे शिवा का स्टैचू, शिवा लॉज, शांति स्कूल, रेडी स्कूल, सब करके शाम तक लौटते आएंगे। ये अधिकारी जी मुझे ये बताइए, पोखरा जो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये कितना पुराना डिस्ट्रिक्ट है? पोखरा तो सर बहुत पुराना है, हम इतना नहीं बता सकते कितने साल से है पोखरा। असल में पोखरा का एरिया का नाम पोखरा है। पोखरा ऐसे कास्ती डिस्ट्रिक्ट में आता है। पोखरा खुद ही डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कास्ती डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोखरा है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों को मालूम पड़ा है कि यहाँ पर जो स्टेट होते हैं, वो स्टेट जैसे हम लोगों के राजस्थान होता है, एमपी होता है, यूपी होता है, यहाँ पर स्टेट का नाम नंबर के हिसाब से होता है, क्या ये बात सही है? जी जी जी, क्योंकि मतलब कहीं क्या होता है कि मतलब लोगों के पास लड़ाई ना हो, किसने किसी को राज्य मार्ग कर रहा है, किसी को दूसरे राज्य का मार्ग कर रहा है, इसको संतुलन मिलाने के लिए राज्य ने क्या किया है, एक दो करके नंबर वाइज दिया, इसमें लड़ाई नहीं हो रही है, शांति से चल रही है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे साथ अधिकारी जी हैं, इन्होंने यहाँ के बारे में बताया है कि यहाँ पर जो स्टेट के नाम होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं राजस्थान, एमपी, गुजरात, यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, 7 स्टेट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए कि किसी बात का झगड़ा नहीं हो, किसी चीज़ का नहीं हो, सब एक है। ये नेपाल में ये सबसे अच्छी बात ये सुनने को मिली है। और अब हम लोग अधिकारी जी के साथ जाएंगे और पूरा पोखरे का आज भ्रमण करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्रेक में। थैंक यू।
रास्ते का सफ़र शुरू हो चुका है हम लोगों का। ये अब हम लोग अगली डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो येलो और रेड में है ये पेट्रोल पंप है यहाँ के। हम लोग ये यहाँ के पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं। यहाँ पर जो पेट्रोल है वो ये देखिए, यहाँ पर पेट्रोल 172 और डीजल 160 के आसपास है। ये देखिए कारीगर खुद के रखा हुआ है। अब क्या जमाना चेंज हो गया है इसका, फिर तोड़ मोड़ के सीमेंटेड घर बनाने लगे लोग। एक्चुअली ओल्ड पोखरा यही है सर, है देख रहे हो, यहाँ लोग रह रहे हैं। ये बात नहीं है कि छोड़ दिए, लोग रहते हैं सर। फ्रेंड्स ये ओल्ड पोखरा मार्केट है और यहाँ पर पुराने मिट्टी के घर बने हुए हैं, अभी भी 100-100, 200-200 साल पुराने। 200 पुराना है, 200-200 साल पुराना है, अधिकारी जी ने बतलाया है। यहाँ पर ये हम लोग आए इस ओल्ड पोखरा बाजार में। ये देखिए ये ओल्ड पोखरा मार्केट है। तीनों चारों बिल्डिंग का भी है, ठीक है। एक पोखरा कर दिया। ये जो बिल्डिंग्स है ये देखिए काफी पुरानी है, करीब 200-300 साल पुरानी है। ये जो खिड़कियां हैं ये देखिए लकड़ी की हैं, ये पूरा ये कार्विंग का काम हुआ हुआ है। ये फ्रेंड्स ये ओल्ड पोखरा का जो बाजार है, ये पहले पोखरा यहीं तक सिमटा हुआ था। ये देखिए यहाँ का ये जो बिल्डिंग का काम है, ये कार्विंग का, ये कितना पुराना है, करीब 300-400 साल पुराना है। ये देखिए अब अभी भी इसको संरक्षित कर रखा है धरोहर समझ के, बाकी के तो सीमेंट के सारे घर बन चुके हैं। ये कुछ है, ये नेट पे भी बतलाया जाता है ओल्ड पोखरा के ये जो घरों का बारे में, अभी जो बचे हुए हैं ये अभी तक। ये देखिए तो हम लोग यहाँ पर ओल्ड पोखरा बाज़ार में आए हुए हैं। ये देखिए एक सामने ज़बरदस्त ये खिड़कियाँ, ये करीब 300 साल पुरानी है। और ये देखिए इसका कार्विंग का काम। ये ओल्ड पोखरा मार्केट में हम लोग आए हुए हैं। नेपाल में ओल्ड पोखरा मार्केट। ये देखिए एक और ओल्ड बिल्डिंग, ये खूबसूरत। यहाँ का फेमस क्या चीज है कि यहाँ से ये चीज लेके जाना चाहिए? मैं बुक बकरा नहीं बोलूंगा, दूसरा चीज सही नहीं। ऐसा नहीं लगता है, अलग सा दिखेगा। तो ये ढाका टोपी दिखता है सर, जो हम पहने हुए हैं टोपी। टोपी कितने का है ये टोपी? 350 का आता है। 30 अच्छे से अच्छे 500 रुपये पड़ेगा। ये फ्रेंड्स अब ये हम लोग एक बहुत अच्छी खूबसूरत लोकेशन से महिंद्र के यहाँ पर आ गए हैं। टिकट ले रहे हैं, ये 80 रुपये का टिकट है। अब यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये फ्रेंड्स अब हम लोग ये महिंद्र केव है यहाँ पर जा रहे हैं। ये उसकी लोकेशंस है, ये देखिए शानदार अंदर गुफा के अंदर। ये हम अंदर गुफा की तरफ जा रहे हैं। ये हम लोगों ने जो यहाँ का
गाइड है उसको हायर कर लिया, क्योंकि वो काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर, उन्होंने बतलाया हम लोगों को। तो अब हम लोग ये जा रहे हैं महेंद्र के ऊपर, ये देखिए हम आ गए। ये काफ़ी एडवेंचर होने वाला है और मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे अंधेरे में अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ के बारे में आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, हम लोग ये महेंद्र के जो जगह है ये देखिए, काफ़ी गहरी गुफा है ये, हम लोग यहाँ नीचे जाने वाले हैं पोखरा के अंदर। ये काफ़ी फेमस जगह है, हम लोगों ने इंटरनेट पे सर्च किया था, एडवेंचर के हिसाब से काफ़ी गहरी है। इसकी खोज यहाँ के जो राजा है उन्होंने आज से 60 साल पहले इसकी खोज की थी। ये गुफा तो करीब हजारों साल पुरानी है मगर इसकी खोज 60 साल पहले हुई थी और आज हम लोग इसके अंदर जाएंगे, एडवेंचर देखेंगे कि क्या क्या अंदर से पानी टपकता है। क्रिस्टल क्रिस्टल लाइम स्टोन और भी अलग तरीके के वाइट स्टोन के पत्थर की गुफा है ये, अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ये अंदर गुफा में जाकर। तो आप मेरे चैनल पे प्लीज़ बने रहें और ये आप ये देखिए, ये अंदर मैं गुफा की तरफ जा रहा हूँ। मैं ये जो गुफा है लगे एक गुफा है ना आपको जो नेचुरल गुफा है लाइमस्टोन के मालूम है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो क्या नाम है आपका, विजय, ये विजय जी है, ये यहाँ के बारे में पूरा बतलाएंगे इस गुफा के बारे में। ये लाइमस्टोन केव केव है ये, इस गुफा अभी 59 इयर्स ओल्ड केव हुआ, 59 साल पुरानी है ये गुफा। इस गुफा को राजा महेंद्र ने डिस्कवर किया था, राजा महेंद्र नेपाली किंग, जो ये यहाँ के राजा महेंद्र थे नेपाली किंग, उन्होंने इसके बारे में मालूमात करी थी। और ये देखिए ये ऊपर से अभी पानी भी आ रहा है, ये टपक रहा है, ये सब ये जमीन से काफी नीचे हम लोग जो जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे गणपति भगवान, गणेश भगवान, अच्छा गणेश जी का सुन दिखाया ना वीडियो में, देखिए ये देखिए, बाद में हम यहाँ से बाहर जाएंगे, रास्ते अंदर रास्ते से बाहर जाएंगे, रास्ते बाहर जाने का रास्ता है धर्मद्वार, ये बाहर जाने का रास्ता है जो कोई आदमी को मालूम नहीं होता इधर का रास्ता, ये यहाँ से चढ़ाई करके बाहर जाएंगे। सुनिए सर, हम लोग बाद में यहाँ से बाहर जाएंगे, ठीक है रास्ता, यहाँ से बाहर जाएंगे रास्ते, देखिए ले लिए फ्रेंड्स। ये देखिए ये जो ऊपर पत्थर है स्टलाइट पत्थर है, ये लाइमस्टोन का, ये देखिए ये उसकी गुफाएं हैं, ये काफी अंदर है, ये कलरफुल शाइनिंग स्टोन, कलरफुल येलो कलर, व्हाइट क्रिस्टल, ये शाइनिंग स्टोन, शाइनिंग स्टोन है ये कलरफुल, ये देखिए येलो व्हाइट, ये देखिए ये येलो है, ये व्हाइट है, ये महेंद्र के वो जो कि पोखरा में है एक जगह, उसके अंदर हम लोग गुफा के अंदर हैं। और ये देखिए ऊपर से पानी कैसे आ रहा है, ये देखिए पूरा पानी टप टप कर रहा है, ये देखिए हमारे पास भी ऊपर आया है पानी, ये देखिए ये पानी की बूंदें टपक रही हैं। इसको बोलते हैं स्टलाइट टाइट, अंधेरा है। ये देखिए ये आप और अंदर जाकर बहुत गहरा है ये गुफा, बहुत डीप, ये देखिए डीप है ये काफी। ये क्या खोद कर बनाया, नेचुरल तो पहले क्या पैक था, बंद था ये? नहीं नहीं ये गुफा था टॉर्च देना, अच्छा ये हजार साल पुरानी गुफा है लेकिन ये राजा महेंद्र ने पता लगाया था इसलिए। अच्छा अच्छा पहले मालूम नहीं था, उन्होंने पता लगाया 60 साल पहले पता लगाया था, गुफा तो बहुत साल पुरानी गुफा है ना, बस 60 साल पहले
गुफा को खोजी के आदमी ने लोकल आदमी ने चला गया। ये देखिए शिवलिंग दिखाई दे, शिवलिंग है नेचुरल स्वयंभू शिवलिंग। फ्रेंड्स ये देखिए अभी आपको कितने तरीके के पत्थर इस गुफा में नजर आ जाएंगे। ये अभी मैंने आपको लाइमस्टोन दिखाया, येलो पत्थर दिखाया, वाइट पत्थर दिखाया, ये क्रिस्टल है। ये देखिए ये क्रिस्टल आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए क्या चमक रहा है ये क्रिस्टल। ये देखिए ये जो क्रिस्टल है ये देखिए क्या शाइनिंग मार रहा है ये पत्थर। ये देखिए ये देखिए ये पूरा इस गुफा के अंदर है। ये मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ इस गुफा में हर तरीके का पत्थर है। ये है तो हजारों साल पुरानी गुफा है ये, पर ये जो राजा महेंद्र थे उन्होंने 60 साल पहले इस गुफा की खोज की थी। ये देखिए क्या जबरदस्त तारों की तरह नजर आ रहा है ये देखिए। वाह वाह दोस्त, ये एडवेंचर का ये जो हम लोगों को मिला ये बहुत अच्छा जगह मिली है एडवेंचर की। ये देखिए ये पूरा जैसे तारे जमीन पर आ गए हैं और हम लोग ये देखिए ये पूरा ये जो गुफाओं में ये क्रिस्टल ये देखिए क्या जबरदस्त इसके अंदर है ये। देखो फ्रेंड्स शंख, ये देखिए नेचुरल शंख बना हुआ है ये। इधर गणपति, ये गणेश, ये देखिए। जमीन से 200 फीट नीचे पानी और उसके अंदर ये देख लीजिए मछलियां हैं यहाँ पर। अब आप समुंदर में तो देखिए गुफाओं के अंदर मछलियां दिखना अद्भुत, क्या जबरदस्त नज़ारे देखने को मिल रहे हैं यहाँ नेपाल में आकर। राजा महेंद्र ने ऐसी गुफा की खोज करी है जो कितनों के देखने को मिल गया ही है, नहीं तो हो सकता था ये चीज़ नहीं दिखे। यहाँ पर साल में हज़ारों पर्यटक यहाँ पर आते हैं इस गुफा को देखने के लिए। कितने अंधेरा और समझ नहीं पाते तो नहीं आते। ये देखिए ये टूरिस्ट आ रहे हैं अंदर देखने के लिए, डरते डरते सहमे सहमे। हम लोगों ने तो गाइड ले लिया, कितने को हमने वापस लौटते हुए देखा। ये देखिए ये फ्रेंड्स, ये देखिए क्या ज़बरदस्त क्रिस्टल जो चमक रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ गुफा के अंदर। ये देखिए आप, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ महेंद्र केव के अंदर, फ्रेंड्स हम लोग पोखरा में महेंद्र के गुफा जो कि राजा महेंद्र ने आज से 60 साल पहले इसकी खोज की थी और ये हजारों साल पुरानी गुफा है। यहाँ पर हर तरीके का स्टोन है। ये देखिए ये क्रिस्टल ये, और इधर लाइम स्टोन, वाइट स्टोन, सारे पत्थर आपको नज़र आ जाएंगे। ये एडवेंचर जो कि मेरा चैनल ट्रैवल एंड एडवेंचर है उसके अंदर मैं ये आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ज़मीन से काफ़ी नीचे इस गुफा के अंदर ये खुदा की कुदरत। ये देखिए एक तरफ पानी टपक रहा है और हर जगह ज़बरदस्त पत्थरों की वो जो बनावट है, बसावट है, वो आप देखिए खुदा की कुदरत है ये। और आसमान में जो तारे नज़र आते हैं वो आज हम लोगों को ज़मीन के अंदर तारे नज़र आ रहे हैं वो चीज़ मैंने आपको बताई है। ये देखिए ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ये मैं और एडवेंचर्स, एक से एक एडवेंचर्स जो है वो ट्रैवल है वो मैं आपको बताऊं। मैं आपको फ्रेंड्स मैं ये देखिए ज़मीन से काफ़ी नीचे ये जो महेंद्र गुफा है उसके अंदर आया हूँ और ये देखिए चारों तरफ ये जो गुफा है इसमें अलग अलग तरीके के पत्थर नज़र आ रहे होंगे,
व्हाइट स्टोन है, लैंडाइट है और वो क्रिस्टल का है। ये मेरे जो चैनल है ट्रेवल एंड एडवेंचर, उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि मैं एडवेंचर दिखाऊंगा, शुरुआत हो गई है मेरे एडवेंचर दिखाने की। ये देखिए इस गुफा के अंदर बहुत मुश्किल से आया जाता है। अब हम लोग जमीन के काफी नीचे है और अब हम लोग बहुत मुश्किल से ये इस गुफा को पार करेंगे। ये देखिए ये रास्ता है, बहुत सकड़ा है, बहुत टेढ़ा बाका है रास्ता। ये देखिए हम लोगों को जाने के कितनी, वो तो हमारे साथ गाइड है, वो हम लोगों को ये गाइड कर रहे हैं, पूरे रास्ते के बारे में बता रहे हैं। ये देखिए ये अगर आप आए तो गाइड के बगैर नहीं आए, गाइड लेकर आए, क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है, आने जाने में आपको परेशानी हो सकती है। देखिए हम लोग किस मुश्किल से जा रहे हैं, ये देखिए ये कितनी मुश्किल से है। अब हम लोगों को लेट कर जाना पड़ेगा हम लोगों को। ये देखिए ये हम लोग लेट कर जा रहे हैं क्योंकि रास्ता बहुत सकड़ा है और आने में परेशानी हो रही है, मगर मजा आ रहा है एडवेंचर के अंदर। क्योंकि ये देखिए मैं यहाँ पर भी दिखाऊंगी, ये क्रिस्टल है, यहाँ पर भी इस जगह आपको ये मैं दिखाता हूँ। ये पत्थर जो है ये क्रिस्टल का पत्थर है, ये देखिए कैसे तारे नजर आएंगे। ये मैं आपको ये पत्थर के बारे में बताऊं, ये देखिए ये पत्थर में कैसे चमक रहा है, क्रिस्टल का पत्थर है ये, क्या जबरदस्त है दोस्तों, मजा आ गया ये ट्रैवल और एडवेंचर के अंदर आज। अब हम लोग ये देखिए ये ऊपर जा रहे हैं, ये काफी मुश्किल भरा रास्ता। ये देखिए इधर आइए, ये जो देखिए ये क्रिस्टल क्या चमक रहा है ये पत्थर फ्रेंड्स। ये देखिए जमीन से काफी नीचे मैं ये चीज दिखा रहा हूं आपको ट्रैवल और एडवेंचर के अंदर। ये नेपाल के अंदर जो कि काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर पोखरा एक जगह है, वहां पर महेंद्र गुफा है, उसके अंदर आया हूं। ये देखिए ये दिखाने के लिए इस गुफा को मैंने सर्च करा था और मैं आज ये आपको लाइव दिखा रहा हूं। ये देखिए मेरे चैनल पे, आप प्लीज मेरे चैनल पे बने रहिए ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छी ट्रैवल और एडवेंचर की चीजें दिखाता रहूं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फ्रेंड्स ये देखिए ये रास्ता कितना सकड़ा है, कितना खतरनाक है। ये देखिए अब हम लोगों को जाने में भी बहुत परेशानी हो रही है, मगर अब आए हैं तो एडवेंचर का तो कुछ मजा लेंगे। ये देखिए एडवेंचर का तो मजा लेना ही बनता है ना, आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि जब एडवेंचर मेरा चैनल है तो एडवेंचर भी दिखाऊंगा। ये देखिए चढ़ने में बड़ी मुश्किल हो रही है, मगर मुझे तो दिखाना है आपको। ये देखिए किस मुश्किलों से चढ़ा जा रहा है। ये देखिए रास्ता बहुत सकड़ा है, पर हम लोग करीब करीब मजे लेकर बाहर आ गए हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी जल्द से जल्द। फ्रेंड्स ये देखिए कितना सकड़ा रास्ता है, ये इस रास्ते से हम लोग अभी आए हैं, ये किस मुश्किल से आपने देखा ही होगा। ये देखिए ये आने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, ये कितना अंधेरा और कितना खतरनाक रास्ता है। हम इस रास्ते से अभी आए हैं, ये आपको मैंने महेंद्र केव दिखाया है आपको, और आगे भी और अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात करते हैं अपन अगले व्लॉग में। ये इस गुफा का प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन बोर्ड है। अब हम यहाँ से रवाना होते हैं, ऐसी दो गुफाएं और हैं, इंशाल्लाह ताला मैं अपने व्लॉग में आगे बताऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। कोशिश करता हूँ मैं अच्छे से अच्छी चीज़ दिखाने की। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे जल्द से जल्द अपने अगले व्लॉग में। अलविदा।